हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अंदर आज के डेट में यहां पे बड़ी तेजी देखने को मिल सकता है। तो यहां पे इस स्टॉक पे बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। और करीब करीब अगर हम बात करें तो 220 रुपये बहुत तेजी से क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है यहां पे एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका भी रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्स मंथ में स्टॉक के अंदर जो तेजी देखने को मिला है, 79% की रैली देखने को मिला है। एक साल में 155% की रैली देखने को मिला। और फाइव इयर्स की बात करें तो 256% का रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को दे चुका है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 548% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे रिटर्न के मामले में कंटिन्यू और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आता है एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी का Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं। कंपनी यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्च क्वार्टर का जो यहां पे रिजल्ट्स आया है, आप यहां पे देख सकते हैं कि बेसिकली व्यू कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में अगर हम बात करें, खास करके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं, तो यहां पे जो आपको चीजें देखने को मिलेगा कि कंपनी का मार्च क्वार्टर का ये डेटा है, और यहां पे आप ये देख सकते हैं मार्च 2024 का। तो मार्च 2023 में अगर आप देखोगे, जो कंपनी 149 करोड़ का सेल्स करती थी, जो इस बार 246 करोड़ का सेल्स करती हुई नजर आई, बहुत तगड़ा यहां पे ग्रोथ देखने को मिला है। यहां पे 16% से मार्जिन कम हुआ है, 14% हो गया है, लेकिन यहां प्रॉफिट फिर भी बहुत बड़ा जंप किया है। 6 करोड़ से सीधा 17 करोड़ यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 250% का यहां पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 250% से ज्यादा यहां पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है एसएमएस फार्मा का। तो दोस्तों, यहां पे इस स्टॉक में तो आज एक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। स्टेटरेक Q4 क्वार्टर का रिजल्ट्स आया था, और आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो अभी तो आपने देख ही लिया। और इस स्टॉक पे एक तरह से मार्केट ओपन होते के साथ आपको नजर बना के रखना है। लेकिन दोस्तों, मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का रिकमेंडेशन मैं जरूर करता हूँ कि आप जाइए हमारे चैनल पे, चैनल का सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चलिए, अपने दोस्तों को शेयर करके चलिए, जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की, जो बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ पे अभी के टाइम पे फिलहाल जो आपको देखने को मिल रहे हैं, FIS है जो अपने बिकवाली करते हुए नजर आए, लेकिन मार्च क्वार्टर में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदते हुए नजर आते हैं DIS। DIS 1.98% यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ पब्लिक की होल्डिंग है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है, और बड़े इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे एंट्री हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली प्रमोटर्स है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं स्टेबल है, उनकी होल्डिंग में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करें इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट पे अगर आप नज़र डालोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो रिजर्व्स है 528 करोड़ का है, और डेब्ट है 281 करोड़ का। इसके साथ साथ कंपनी के जो CWIP वर्क आपको देखने को मिल रहा है, CWIP वर्क में आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट कंपनी यहाँ पे CWIP में वर्क में लगा रही है पैसे, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ कंपनी का जो टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, ये सारी चीजें इंप्रूव होता हुआ नजर आता है कंपनी का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो की बात करें कंपनी का, खास करके तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑल टाइम हाई सेल्स कर रही है कंपनी, और यहाँ पे ऑल टाइम हाई प्रॉफिट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऑल टाइम हाई सेल्स जरूर करती हुई नजर आ रही है। 50 करोड़ का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट किया, जो पिछले साल देखें तो 7 करोड़ का कंपनी ने लॉसेस किया था, तो लॉस किया था उसकी वजह से शेयर प्राइस डाउन भी गया था, जो आपने देखा ही होगा। एसएमएस फार्मा के अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो स्टॉक का जो पी है 36 पे है, इंडस्ट्री का पी 33 पे देखने को मिल रहा है। 1792 करोड़ का मार्केट कैप है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपनी एक तरह से स्टेबल नजर आती है। डेब्ट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.52 का देखने को मिल रहा है, 1 से कम है, और यहाँ पे हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न्स पॉइंट मुझे ये लगता है, प्लेजिंग परसेंटेज प्रमोटर का 19.4% स्टेक है जो प्लेस्ड है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे,
लेकिन पेट्रोस्की स्कोर अभी भी काफी अच्छा है, 8 की रेटिंग दिया गया है, ग्राम नंबर 91 रुपीज का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जो बेसिकली डाइवर्सिफाइड और इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जो बेसिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई पे काम करती है और इंटरमीडिएट से रिलेटेड यहाँ काम करती हुई नजर आती है। जो एंटी अनक्लियर की अगर हम बात करें, सॉरी एंटी अल्सर की बात करें, एंटी फंगल की बात करें, एंटी माइग्रेन की बात करें, एंटी वायरल, एंटी डायबिटिक की बात करें, ये सब सारे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है एसएमएस फार्मा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।